तो वीडियो का थंबनेल देखने के बाद आप सबको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो बिना किसी बकचोदी के सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो गाइस, अगर आप लोगों को क्लोज रेंज इंप्रूव करना है ना, तो आपको ड्रिल्स करनी पड़ेगी और उन ड्रिल्स को डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका क्लोज रेंज पहले से इंप्रूव हो सकता है। ना कि बस आप लोग क्लासिक्स खेलते रहो और टीडीएम खेलते रहो और आप सोचोगे कि मेरा एक ना एक दिन अपना क्लोज रेंज इंप्रूव हो जाएगा, तो आपका क्लोज रेंज कभी इंप्रूव नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में मैं आज आपको कुछ ऐसे ड्रिल्स बताऊंगा, अगर उन ड्रिल्स को अगर आप 15 दिन भी कर लेते हो ना, तो आपको आपके क्लोज रेंज में बहुत फर्क दिखने वाला है, आपका जो क्लोज रेंज का जो एम है वो बहुत इंप्रूव होने वाला है। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो गाइस, हमारे जो फर्स्ट ड्रिल है वो ये है कि आपको क्या करना है, ये जो टारगेट्स है इन टारगेट्स को आपको जिगल देते हुए मारना है, और जिगल देते हुए इन टारगेट्स को बस आपको हेड पे मारना है। जितना हो सके उतना आपको बुलेट, मतलब एनिमी ये जो टारगेट्स है टारगेट्स के हेड पे ही लगाने का ट्राई करना है। आपका एम जब जिगल दोगे तो लेफ्ट राइट होगा, उसको आपको पूरा कंट्रोल करना है और पूरा कंट्रोल करके इन टारगेट्स पे मारना है। तो गाइस, इस ड्रिल को हम लोग वार्म अप ड्रिल भी कह सकते हैं। तो गाइज, हमारी जो ड्रिल नंबर 2 है वो ये है कि आपको क्या करना है, ट्रेनिंग ग्राउंड में ये वाली जगह पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद स्टैंडर्ड ट्रेनिंग चूज करके 20-40 मीटर्स का टारगेट सेलेक्ट करके हेल्थ ऑफ टारगेट मूवमेंट स्पीड फुल कर देना है, और लेवल 3 का आर्मर, लेवल 3 का हेलमेट करके इफेक्टिव ऑल बॉडी पार्ट्स पे करके स्टार्ट कर दो। जैसे ही स्टार्ट होगा, ये जो टारगेट्स लेफ्ट राइट हो गए, इन टारगेट्स को आपको जिगल देते हुए हेड पे मारना है। यहाँ पे देखो, मैं कोई स्कोप नहीं खोल रहा, बस जिगल दे रहा हूँ, जिगल देते हुए ये जो टारगेट्स है इन टारगेट्स को ट्रैक कर रहा हूँ और इनको हेड मारने का ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइस, आपको भी इस ड्रिल को ऐसे ही परफॉर्म करना है, जिगल देते हुए ये जो सामने वाला मतलब ये टारगेट है, इस टारगेट को आपको ट्रैक करना है और ट्रैक करते हुए उस टारगेट को हेड मारना है। और जो सेकेंड टारगेट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड टारगेट भी आप लोग क्रॉसयार से ही मारो, क्योंकि अगर आप क्रॉसयार से सेकेंड वाले टारगेट को भी मार पाओगे ना, सीख जाओगे ना मार रहा, तो आप क्लोज रेंज में इजीली किसी भी बंदे को क्रॉसयार से मारना सीख जाओगे क्लोज रेंज में। तो मैं दोनों ड्रिल को, ये मतलब दोनों जो टारगेट इनको क्रॉसयार से ही मारता हूँ, और ऐसी ये ड्रिल को आपको भी परफॉर्म करना है। और आप लोग इस ड्रिल को 15 दिन अगर मतलब डेली करते हो ना, तो भाई आपका क्लोज रेंज मतलब 100% इंप्रूव होने वाला है। तो गाइस, हमारे जो थर्ड ड्रिल है वो ये है कि आपको क्या करना है, ये जो सामने वाले टारगेट्स है इन टारगेट्स के आपको हेड पे एम रख के, आपका जो क्रॉसयर है इनके हेड पे रख के भागना है। कुछ मत करो गाइस, जैसे भागना है लेट के भागो, प्रोन होके भागो या क्राउच करके भागो, जैसे भागना है भागो, बट आपका जो क्रॉसयर है वो टारगेट्स के हेड से हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं कैसे भी भाग रहा हूँ बट मेरा जो क्रॉसयर है वो टारगेट के हेड से नहीं हट रहा है। तो गाइस, ये ड्रिल ना बहुत इफेक्टिव है गाइस क्लोज रेंज के लिए। मैंने ये ड्रिल करके भी मेरा क्लोज रेंज बहुत इंप्रूव किया है, तो आपको भी ये ड्रिल डेली 5 मिनट करनी है। तो गाइज, हमारे जो फोर्थ ड्रिल है वो ये है कि आपको क्या करना है, ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड का टीडीएम इसको कह सकते हैं, इस जगह पे आपको आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद लेवल डिफिकल्टी लेवल 3 चूज करके आपको आपका वेस्ट और हेलमेट उतार देना है, और उतारने के बाद ये जो सामने वाले बॉट्स हो गए इन बॉट्स को आपको हिप फायर से मारना है। यानी आपको क्लोज रेंज में आपका क्रॉसयर इनके हेड पे रख के बस जिगल देते हुए मारना है विदाउट एनी स्कोप खोले। यहाँ पे आप लोग रेड डॉट या अलग कोई स्कोप यूज मत करना, बस अगर बॉट्स दूर है और वो हिल ही नहीं रहे तो आप लोग यूज कर सकते हो रेड डॉट, बट एक ही बुलेट मारना, नहीं तो क्लोज रेंज में बॉट्स को बस आप हिप फायर से मारो, जैसे कि यहाँ पे मैं मार रहा हूँ। मैं कोई स्कोप यूज नहीं कर रहा, बस जिगल देते हुए ये जो बॉट्स है इन बॉटों के हेड पे मार रहा हूँ। बट अगर आपका जो बॉट है वो मतलब दूर दूर रह रहा है और आपके पास ही नहीं आ रहा, तो उसको आप लोग बस एक हेड मार दो, एक हेड मारोगे तो वो आप भागते हुए आपके पास आ जाएगा, और वो जब आपके क्लोज रेंज आए तो उसको आप लोगों को क्रॉसयर हिप फायर से आपको उसको मारना है। तो गाइज, ये सारी ड्रिल्स मतलब ये जो 3 ड्रिल्स है, ये करने के बाद अगर आप लोग ये ड्रिल करते हो ना, तो मतलब आपका एम पूरा अच्छा हो जाएगा, आपका हाथ क्लोज रेंज के लिए बहुत गर्म हो जाएगा। आप मतलब जब टीडीएम्स या क्लासिक्स खेलोगे उसमें आप लोग क्लोज रेंज में इजीली, बहुत इजीली बंदों को आपका जो बुलेट्स है वो चिपका पाओगे, इजीली किसी भी बंदे को क्लोज रेंज में मार सकोगे। तो गाइस, आज की वीडियो में ना ये जो मैंने 4 ड्रिल्स बताया ना, इन चारों ड्रिल्स को अगर आप लोग बस 15 दिन करोगे ना, तो आपका जो क्लोज रेंज का जो हिप फायर है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका होगा। तो गाइस, इन चारों ड्रिल को बस आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं, 15 दिन तक फॉलो करो। 15 दिन में आपको मैं लिख के देता हूँ, गारंटी बताता हूँ, आपका जो एम है क्लोज रेंज का जो हिप फायर है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा, क्या बहुत मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ होगा। बट आपको ये ड्रिल्स डेली करनी है, 15 दिन ये ड्रिल्स डेली करो,
उसके बाद अगर आपका एम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होता, इस वीडियो में आ जाना, इधर डिसलाइक का बटन कर देना, एक गंदी सी कमेंट कर देना और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देना। पर अगर अगर आपका थोड़ा सा भी क्लोज रेंज इंप्रूव होता है ना ये ड्रिल से, तो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और गाइज जल्द से जल्द अपने को 10K तक सब्सक्राइबर्स लेके जाने हैं। मेरा मतलब एक ड्रीम है कि मैं जल्द से जल्द इस ईयर के एंड तक 10K सब्सक्राइबर्स कर दूँ। तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर दो और जितना आप लोग मतलब जितना आपके दोस्तों से आप सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करो। तो चलो गाइज मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।